हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी और अभी जस्ट नहा करके आ गई हूँ। रात में 12 बजे तो मैंने मेहंदी लगाई है। बरगद के पेड़ की पूजा होती है, वट सावित्री की, तो वही वाली आज है पूजा। इसीलिए आज मैं 5 बजे उठ के नहा ली हूँ। सबसे पहले मैं उठी हूँ, अभी कोई उठा नहीं है। यशी तो यहाँ सो रही है, बाकी आयना, मम्मी, आदर्श वो लोग सब बाहर सो रहे हैं। बाहर का मतलब बाहर वाले रूम में सो रहे हैं। तो अभी देखिए, बस नहा ली हूँ, मैं फटाफट से जा रही हूँ पूजा करने। पूजा करके जो प्रसाद वगैरह बनाना होता है ना, वो सब बनाऊंगी और फिर बरगद के पेड़ के नीचे जा करके पूजा करेंगे। तो मेरी दीदी वगैरह भी जाएंगी, तो उनके साथ जाके मैं पूजा करूंगी। अभी फिलहाल मैं चलती हूँ किचन में और मंदिर में। आज हम लोग ने डिसाइड किया था कि 7 बजे तक हम लोग रेडी हो जाएंगे, इसी वजह से मैं उठी थी 5 बजे। वैसे मैं जब से यहाँ पर आई हूँ, मैं एक भी दिन 5 बजे उठी नहीं हूँ। ना यहाँ पर कोई 5 बजे उठता है और मैं भी नहीं उठी मथुरा में ही, वो भी कभी कभी ही उठी होंगी 5 बजे, जब स्टार्टिंग में कुछ दिन के लिए वॉक पे जाते थे बस, वरना 5 बजे मैं नहीं उठती बिल्कुल। लेकिन आज तो 5 बजे नहा भी लिया है मैंने, और यहाँ पर अभी फिलहाल तो घर की पूजा करूँगी, क्योंकि मैं उठ गई थी तो घर की पूजा करना था और व्रत का संकल्प लेना था। तो इसीलिए बस मंदिर में जो जल वल होता है ना, वो सब अब तो बासी हो गया, तो उसे पौधों में डाल दिया। और अभी वो समर चलाई थी, तो फिर मैंने शुद्ध जल भर के घर की पूजा कर ली है। और जो कल सामान लेकर आए थे ना पूजा का, वो मंदिर में ही रखा हुआ है अभी, तो उसको मैं बाद में जब पूजा की थाली रेडी करूँगी ना, तब उसमें रखूँगी। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर किचन में आ गई हूँ, और जो मुझे प्रसाद बनाना है, इस वाले पूजा में बनते हैं गुलगुले और छोटी छोटी सी पूड़ियाँ। बरगद की बरगद माने जाते हैं वो, जो गुलगुले होते हैं ना उनको बरगद बोलते हैं, तो वो चीनी की चाशनी में बनते हैं। तो उसके लिए मैंने चाशनी बनने के लिए रखी हुई है, पानी और चीनी डाल दिया था। थोड़ा गर्म हो जाएगा ना तो जल्दी से वो चीनी जो है वो मेल्ट हो जाती है। तो बस उसके बाद उसी चाशनी से यहाँ पर गुलगुले का आटा लगा लिया है। अब गोल गोल बना लूँ, 24 बनाने होंगे, एक्स्ट्रा ही बना लिए थे, कभी कभी गिर जाते हैं तो वो पूजा में नहीं यूज़ होते हैं इसीलिए। और फिर उसके बाद ऐसी 12-12 करके पूड़ियाँ बना ली थी, बहुत छोटी छोटी सी पूड़ियाँ बनाई थी। और यहाँ पर देसी घी में ये बनाया जाता है, तो मैंने पहले तो पूड़ियाँ निकाली हैं, और गुलगुलों में क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है इसीलिए पहले पूड़ियाँ बनाई थी, उसके बाद सोचा कि मैं गुलगुले जो है वो बाद में निकालूंगी। तो ये देखिए, एकदम फुल्की जैसी पूड़ियाँ मैंने बना करके तैयार कर लिए। पूड़ियाँ भी एक्स्ट्रा बनाई थी और गुलगुले भी एक्स्ट्रा बनाए थे। इसको तो वो कई बार मैं क्या करती हूँ, ये चढ़ाने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो इसको धागे से, सुई से, बड़ी बड़ी सुई होती है उससे एक में माले बना लेते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल टाइम नहीं था वो सब करने का, तो मैंने ऐसे ही रख लिया है। और ये प्रसाद बनाने के बाद अब देखिए, दो काम हो गए मेरे, एक घर की पूजा हो गई, दूसरा मेरा हो गया प्रसाद बन गया। और ये सब करते करते 6:30 बज गए थे, तो मैं यहाँ पर हो रही हूँ रेडी। मेकअप मैंने कर लिया है, और जो ज्वेलरी वगैरह पहननी थी तो वो भी मैंने निकाल ली। मेहंदी तो मैंने रात में 12 बजे लगाई थी, और मेकअप लगभग हो ही गया है जितना मुझे मेकअप करना था, बस नेल पेंट रह गई है। और ज्वेलरी मेरी जो थी वो रिंग सीधा तरफ रखी थी, वो यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ रिंग। वैसे मैंने ज़्यादा रिंग नहीं पहनी, सिर्फ 2 ही रिंग पहनी थी, और ज्वेलरी तो यहीं पर रखी हुई थी मेरी, तो मैंने वो पहन ली है। और ये वाली पूजा मेरी यहाँ पड़ेगी, मुझे कुछ पता नहीं था, तो इसलिए मैं तैयारी से भी नहीं आई थी, एक भी साड़ी मैं नहीं लेकर के आई थी यहाँ पर। तो यही साड़ी जो है ना, ये मैं अपनी रख गई थी यहाँ पर, तो रेडी वेडी कुछ नहीं थी, और ब्लाउज भी रखा हुआ था, बस किसी तरह मैंने पहन लिया है। और मेरा लुक कैसा लग रहा है अभी, तो पहले मैंने जूड़ा बना लिया था, लेकिन फिर बाद में जूड़ा हटा लिया था, मुझे लग रहा था कि पूजा करने में थोड़ा ईजी रहेगा, तो इसीलिए जूड़ा बना लिया, लेकिन फ़ोटोज़ अच्छी नहीं आ रही थी, फिर मैंने जूड़ा हटाया। और ये जो मैं कील 1-2 साल से निकाल के रखी हूँ ना, इसकी वजह से मेरी नथ जो है वो जा ही नहीं रही थी नाक में, तो बहुत पेन हो रहा था। फिर मैंने किसी लटकाई हो गई हूँ रेडी, और ये जो मेरी कील है ना, ये तो दर्द मेरे बहुत हो रहा है, तो जब पूजा करूँगी बस तब लगा लूँगी, अभी ऐसे ही ये लटक रही है। और मैंने जूड़ा बना रखा है वहाँ पे, बाद में फिर खोल लूँगी बाल, क्योंकि गर्मी बहुत लग रही, बाल तो नहीं खोल पाऊँगी। और ये ग्रीन कलर की साड़ी किसी तरह मिक्स मैच करके मैं तैयार हो गई हूँ। मेहंदी भी लगा ली थी रात में 12 बजे, और यशी भी आज सुबह सुबह उठ गई है मेरे साथ, कह रही थी मैं भी मंदिर चलूँगी, तो इसको भी मैंने नहला करके इसको रेडी कर दिया है। तो आयना जो है वो सो रही थी, उसको भी मैंने उठाया था, बट उसे नींद काफ़ी आ रही थी इसलिए वो नहीं उठी थी। और यशी जो है वो
नहा ली थी खुद से, तो रेडी कर दिया था मैंने, मैं भी रेडी हो गई थी, तो फिर उसे भी रेडी कर दिया। तो फिर हम लोग सब लोग आ गए हैं यहाँ पर, पूजा जो है वो स्टार्ट करें। जब आए थे ना तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मतलब जो अपनी थाली थी ना वो रखने तक की जगह नहीं थी किसी तरह। 10-5 मिनट बाद थाली रखने की जगह मिली, फिर हम लोग ने स्टार्ट करी पूजा। लेकिन मुझे एक साइड पर जगह मिली, दीदी को अलग जगह पर मिली, तो जैसे जैसे सब मिली जगह उस हिसाब से पूजा हो गई। हम लोग आ गए 9:30 बजे घर आ गए थे, 9:15 पे आई थी पूजा जो है वो हो गई थी। और आज मौसम काफ़ी सही है तो आराम से पूजा हो गई। लेकिन वहाँ पर एक बैल या सांड जो भी था उसने मुझे दौड़ा लिया, फिर ही मुझे पेड़ के ना एक्स्ट्रा लगवा दी उसने, बची गई नहीं, मारता ना तो हो गया था काम। खैर अब मैं जा रही हूँ ये साड़ी वड़ी चेंज करके, थोड़ा कम्फर्टेबल कपड़े पहन लूँ। बाकी ये वाली साड़ी तो मेरी रेडी भी नहीं थी, फॉल पी को कुछ नहीं हुआ है, बस पहन लिए मैंने आज। और ये ज्वेलरी वगैरह अब मैं निकाल के रख दूँ, 10 बज गए। चाय वाय तो अभी बनी नहीं है, अंजली जा रही है चीनी लेने, चीनी ख़त्म हो गई है, चीनी लेकर आएगी तब चाय बनेगी। गाइस तो साड़ी मैंने चेंज कर ली है, यही कंफर्टेबल लग रहा था तो यही डाल लिया है। और अभी जा रही हूँ, अंजली ने चाय वाय तो बना दी थी, पी भी ली हमने, मिल्क भी आया तो वो बॉइल करने रखा है, और थोड़ा बहुत सामान मैंने सुबह फैला दिया वो सब ठीक ठाक कर लेते हैं। तो मैं वहाँ से आकर के ना चाय वाय पीने लग गई थी साड़ी चेंज करके, तो अभी बेड बहुत फैला हुआ है, सुबह मेकअप का भी काफ़ी सामान मैं बिखेर के चली गई थी क्योंकि जल्दी जल्दी का था। तो अभी मैंने सारा समेटा है, ये एक बॉक्स है उसमें रखती हूँ और कुछ पर्स में है, और साड़ी वगैरह उधर अंजलि ने रख दी थी दूसरे वाले रूम में, तो फिर यहाँ पर आ गई हूँ मैं, इसे अभी फोल्ड कर लूँ। कॉटन की साड़ी मैं सोच रही हूँ ना इसको वो करवा ही लेती हूँ फॉल पी को इसमें, क्योंकि अच्छी लग रही थी, ब्लाउज बन जाएगा तो और अच्छी लगेगी। तो इसको मैंने सोचा चलो ये से मैं मथुरा ले चलती हूँ, अब यहाँ पे नहीं रख के जाऊँगी, वहाँ पे इसे रेडी करा लूँगी, क्योंकि गर्मियों में तो अच्छी लगती है कॉटन की साड़ियाँ। और ब्लाउज़ जो है वो यहीं पे रख जाऊँगी क्योंकि ये दीदी के लहंगे के साथ का है, तो वो उन्हें दे दूँगी मैं। और बाकी अभी फिर अब सुबह से पानी वानी पिया नहीं था, गर्मी भी इतनी ज़्यादा, तो इतनी ज़्यादा प्यास लग गई थी ये सब करते करते, मैंने खूब अच्छे से पानी पहले पिया है, खड़े खड़े ही पी लिया आज, बैठने का भी टाइम नहीं था, लग रहा था जल्दी से पी लो, गला पूरा सूख रहा था। और उसके बाद फिर मैं आई थी यहाँ गेस्ट रूम में, मैंने देखा आयना ऐशी ने बहुत ज़्यादा सोफे कवर जो है बहुत बिखेर दिए थे, तो वो सब ठीक करने लगी थी। और ये पूजा का जो थाली है ना ये सब खाया जाता है, लेकिन इसमें क्या हुआ था कुछ कुछ में लग गया था सिंदूर वगैरह, हल्दी वल्दी लग गई थी क्योंकि पूजा की थाली में ही रखा हुआ था, तो फिर जो जो में लग गया था क्योंकि सिंदूर तो खा नहीं सकते, फिर उसे साफ करके किसी तरह गाय के डाले गया था क्योंकि फेंक भी नहीं सकते हैं। और अभी मैं यहाँ पर बैठ के कर रही हूँ फ्रूट्स कट मम्मी के लिए, तो कीवी है और एक एप्पल है, एप्पल तो इस टाइम पे अच्छे आ नहीं रहे, थोड़ा बहुत ख़राब था, और बनाना, ये सारे फ्रूट जो है वो मैंने कट करके दे दिया मम्मी को। और आयना और यशी जा रही हैं मेरी दीदी के यहाँ वहाँ पर खेलने के लिए, तो दोनों रेडी हैं, आयना भी नहा ली, यशी तो सुबह ही रेडी थी, और आयना जो है वो भी नहा धोकर के उसके भी बाल मैंने ठीक कर दिए हैं। तो ये इन लोगों को मैं छोड़ने जा रही हूँ, वैसे तो अंजलि चली जाती लेकिन अभी वो किसी काम में बिजी थी तो मैं ही चली गई थी, और वहीं पे छोड़ के फिर मैं आ गई थी वापस। और ज़्यादा दूर नहीं है घर, जो है वो बहुत पास में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पैदल आराम से बस एक गली जाओ और उधर मेरी दीदी का ससुराल, इधर तरफ मायका, तो बहुत ही आराम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बस उन लोगों को छोड़कर मैं आ गई हूँ, तो अब करूँगी खाने की तैयारी, चावल वगैरह धो रही थी, उसके बाद अभी मैं देख रही थी यहाँ पर आलू आए हुए हैं गाँव से, और एकदम मीठे मीठे पुराने आलू है ना, तो इनकी सब्ज़ी जो है वो बिल्कुल अच्छी नहीं बनती, और इतनी बड़े टप में रखा हुआ था कि मुझे पहले चेयर निकालनी पड़ी उसके बाद जाकर ये टप निकला है। और कुछ कुछ ना ऐसे आलू रखे हुए कि ख़राब भी हो रहा है, तो उसमें आधे ज़्यादा मुझे तो लगता है फेंकने पड़ेंगे क्योंकि काफ़ी आलू इसमें ख़राब हो रखे हैं, तो अभी मैं रख रही हूँ उन्हें बॉईल करने। क्या चल रहा है यहाँ पर, इधर देखो, हेलो करो सब लोग, हेलो करो आरू, यशी हेलो करो, आलू हेलो करो, आलू नहीं है वो, आलू अच्छा आरू टॉफी है, टॉफी अभी मंगा देंगे ठीक है, मंगा देंगे, अभी फोन किया है जोमेटो से, ऑर्डर किया है टॉफी, ठीक है, जोमेटो से आ रही है, आ रहा है पार्सल अभी। अरे उसको नहीं पता है यशी, तुम उसके बताने पे दुखी मत हो, उसको थोड़ी पता है अच्छा है कि गंदा। ये वाली कैसी आ रही है, भगवान
उसको नहीं पता ना, ये अच्छी कहेगी, ये अच्छी है ना, ये भी नहीं अच्छी। बच्चे जो है वो खेल रहे, ये लोग गई थी दीदी के यहाँ, लेकिन वहां से फिर ये आ गई हैं और साथ में दीदी की लड़की जो है वो उस वो भी आ गई है, तो वो बहुत ज़्यादा खेलती है आयना के साथ। ये तीनों खेल रही हैं, मैं बना ले रही हूँ फटाफट से रोटी। सब्जी जो है वो भी बन गई है और चावल तो पहले ही बन गए थे, तो रोटी क्या पूड़ी बना रही हूँ, गलती से मैंने रोटी बोल दिया, क्योंकि आज व्रत था ना, तो आज तवा नहीं चढ़ता है, पूड़ी वगैरह ही बनती है। और यहाँ पर का सीन मैं आप लोगों को बताती हूँ, मैं बोल रही थी दीदी की लड़की से मेरे पैर में चोट लगी है तो दवा ले आओ, तो इसने इतने बहाने बनाए, दवा नहीं लाना चाहती थी बस, इसलिए दुनिया भर के बहाने बनाए। और फिर मम्मी जा रही थी डॉक्टर क्या, अब मम्मी यहाँ पर बोल रही थी कि मेरी वीडियो मत बनाओ, लेकिन फिर भी मैंने शूट कर ली थी तो मैंने ऐड कर दी है क्लिप। खैर अभी जा रही है डॉक्टर क्या, और मैं ये वाला ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहो, कल या फिर परसों।